हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं यूज कॉन्टेक्स्ट को, हम रिएक्ट में कैसे यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट के एक वेरिएबल को हम मल्टीपल वेब पेजेस में कैसे यूज करते हैं। कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है ये, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर। आप जहाँ से इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कंप्लीट बने रहिए इस वीडियो से। चलते हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट को, यूज क्यों किया जाता है, होता क्या है, जो इसका मेन पर्पस क्या रहेगा। तो ये मुझे एक डायग्राम बहुत ही अच्छा सा मिल गया है एक वेबसाइट से, तो यहाँ से आप बहुत ही इजीली से इसको समझ सकते हैं। फिर इसी पूरे डायग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे हम प्रैक्टिकली विद कोड, सब कुछ करवाऊंगी इस वीडियो में। आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझने के लिए आप इस फोल्डर को समझो, ठीक है। मेरे पास मान लो एक मेन पेज है, जहाँ आप इसको app.js नाम दे सकते हैं। उसके अंदर और भी बहुत सारे पेजेस हैं मेरे पास, जहाँ आप इसको एक फोल्डर मान लो कंपोनेंट नाम का फोल्डर है। उस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मेरे पास तीन मैंने पेज बना के रखे हुए हैं। सेम ऐसे ही जैसे मेरे पास ये फोल्डर है, इसके अंदर मैं मान लो एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगी, जहाँ एक मैंने बहुत सारे पेज क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। मल्टीपल पेजेस मेरे पास वेबसाइट है, उस मल्टीपल पेजेस वेबसाइट के बीच बहुत सारे पेजेस हैं, उन पेजेस के फर्दर कुछ कंपोनेंट है। मान लो नैव बार के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट कर रखे हैं मैंने, 5 10 जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या थी, जहां से अगर जो लास्ट वाला कॉम्पोनेंट होगा ना मेरे पास जे वाला, इधर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया मान लो कलर नाम का, तो मैं जहाँ पर सी डिनोट करूंगी कलर को, एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर दिया कलर नाम का। मैं चाहती हूँ इस पे इसी को यूज करके हम पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर तो कलर क्रिएट हो गया, मेन इशू कहाँ पे था, इस वाले वेरिएबल को मैंने इस वाले कंपोनेंट में क्रिएट किया जो लास्ट वाला कंपोनेंट था। इसको अगर मैंने यहाँ पे यूज करना हो, मतलब इस वाले कंपोनेंट के वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ, या मान लो डायरेक्ट मैं यूज करना चाहती हूँ जहाँ पे जो मेरा मेन है, ठीक है, मेन पेज मान लो, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इसको डायरेक्ट यूज करना जहां पे। इसके लिए पहले ये क्या करेगा, पहले बी से ए तक जाएगा, ए से जाएगा नैव बार में, नैव बार से जाएगा फिर यहाँ पे। ऐसे हम इसको यूज करते हैं, डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते कि हम ऐसे स्टेप करेंगे, इधर से हम सीधा जाएंगे इधर आ जाएंगे तो हम यहाँ पर इस वेरिएबल को यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम यूज कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। जितने मर्जी आपके कंपोनेंट हो, जितने मर्जी पेज हो, 10 20 पेजेस के आप वेबसाइट बना लो, एक आप कंपोनेंट या फिर एक आप यूज कॉन्टेक्ट के साथ एक वेरिएबल क्रिएट करके पूरी वेबसाइट पे आप किसी भी पेज में किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। बेशक आप इसमें यूज करो, बेशक इसमें यूज करो, बेशक इसमें यूज करो, यहाँ पर मान लो 20 और है कंपोनेंट, लास्ट में क्रिएट करेंगे ना पिछले जो 19 कंपोनेंट है उसके बीच हम एक सिंगल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता अगर हम यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज करते, डायरेक्ट हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट वो पता काम कैसे करता है, जहां क्रिएट किया वेरिएबल पहले वो जहां पे जाएगा, फिर जहां पे जाएगा, फिर जहां पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर किसी और ने यूज करना हो, फिर मान लो इसने यूज करना है, फिर इसके पास आएगा, फिर इसने यूज करना है, फिर से यहाँ पे आएगा, घूम के पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, हर एक पेज में घूमता घूमता जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये कॉन्सेप्ट होगा अगर हम यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं लगाते। तो इसीलिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं कि हम किसी भी पेज में जाके कुछ भी क्रिएट करें। मैं जहाँ पर अब लाइव दिखाऊंगी कैसे हम करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास पूरा फोल्डर है, मैं किसी भी एक पेज में यूज कॉन्टेक्स्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दूंगी, उसको मैं अपने किसी भी दूसरे कंपोनेंट या दूसरे पेज में, मेरे पास अबाउट पेज है, होम पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, उन सारे के सारे पेजेस में बहुत ही आसानी से उस एक वेरिएबल को यूज कर पाऊंगी। अगर आप जॉब के लिए भी जाते हैं देन आपको यही पूछेंगे कि क्या आपको यूज कॉन्टेक्ट के साथ काम करना आता है कि नहीं। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके साथ हमारा टाइम बहुत बच जाता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको इसको क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऐप वाला मेरे पास पेज है, पहले तो मैं आपको सिंपल क्रिएट करना बताऊंगी एक पेज में, फिर हम देखेंगे कंप्लीट वेबसाइट में इसको यूज कैसे करते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट होता है, एक चाइल्ड, चाइल्ड कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं, एक मेन पेरेंट कंपोनेंट होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर डायग्राम लिखा हुआ है ना, तो पेरेंट होगा एक यहाँ पर, बाकी चाइल्ड कितने भी हो सकते हैं। पेरेंट कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है ना उसी को हम पेरेंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐसे, इसको आप एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट ऐप,
ये एक हो गया पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। इसके बीच हम रिटर्न लगा देते हैं, इसके बीच आप कुछ लिख दो। H1 में टेक्स्ट कलर, बस एग्जाम्पल। तो ये हो गया कि पेरेंट कंपोनेंट, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको रिफ्रेश करा कर देते हैं। तो ये बड़ी चीजें लिखी नजर आ रही है, इसको हम लास्ट में कर देते हैं, इसको अभी कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे टॉप पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपने एक कॉन्स्ट बनाना है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, नाम दे दो इसको। मैं इसको नाम दे देती हूँ टेक्स्ट कलर कॉन्टेक्स्ट, तो ये नाम दे दिया, कुछ भी नाम हो सकता है। इधर आपने सबसे पहले लिखना है, क्रिएट करना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसको आपने एंटर कर देना है। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, ये देखो इंपोर्ट हो गया, लेकिन फ्रॉम BM नहीं, हम यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट करेंगे। तो आप इधर भी कर सकते हैं, जहां पर डायरेक्ट जहां पे लिख सकते हैं, तो जिधर आपको सही लगे। तो मैं इसको उठा के इधर नहीं रखूंगी, मैं एक ही लाइन में रखूंगी। तो ये वाला हम हटा देते हैं, ऐसे लगा सकते हैं फ्रॉम ऐसे। और ये वाला जो है इसको हम फ्रॉम तो लिखा ही हुआ है, हम ऐसे लगाएंगे और इसके बीच एक कॉमा लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम रिएक्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाला सबसे पहले आपने एक लगाना होता है, इसको आप कीवर्ड बोल सकते हैं, क्रिएट करना होता है कॉन्टेक्स्ट। तो इसी के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको आप अगर डीपली समझना चाहते हैं तो मेरे पास एक यहाँ पर वेबसाइट है रिएक्ट डेव नाम की, अप टू डेट ये होती है वेबसाइट। जो भी रिएक्ट में नई नई अपडेट आते हैं इसी वेबसाइट से हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर लर्न पे क्लिक करो, यहाँ पे आप जाके यूज या फिर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप करेंगे ना, तीन आपके पास ऑप्शन आने। तो मैं पहले वाला सिलेक्ट करूंगी यूज कॉन्टेक्स्ट विद एग्जाम्पल्स विद कोड, आपको इन्होंने सब कुछ बताया होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, पूरा यहाँ पे कोड मिल जाएगा आपको, लेकिन उस कोड को आपको क्रिएट करना आना चाहिए। जी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ कि आपने सबसे पहले इसको क्रिएट करना है। तो मैं जहाँ पर इसको क्रिएट कर रही हूँ, सबसे पहले ये वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। पहला कीवर्ड है क्रिएट करने का, आप इसकी एक लिस्ट भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये एक हो गया मेरे पास पेरेंट है, तो मैं ऐसे इसको कमेंट बॉक्स में लिखूंगी, पेरेंट कॉम्पोनेंट इसको बोल सकते हैं। जहां पे आना है आपने, एक प्रोवाइडर क्रिएट किया जाता है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी प्रोवाइडर। कैसे क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट बना देते हैं, नाम इसको दे दो टेक्स्ट कलर प्रोवाइडर, छोटा सा नाम भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बीच एक हमने ऑब्जेक्ट पास करना है, तो ऑब्जेक्ट मैं लिखूंगी जहां पे छोटा सा यहाँ नाम रख देते हैं, चिल्ड्रन रख देते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया इसका। इधर बनाओ एक कॉन्स्ट, नाम दो इसको कुछ भी, टेक्स्ट कलर मैंने चेंज करना है तो मैं सेट कर देती हूँ सेट टेक्स्ट कलर। और यहाँ पे हम यूज स्टेट लगा देते हैं, यूज स्टेट भी इम्पोर्ट होना चाहिए हमारे पास, यूज स्टेट। तो यहाँ पे देखो इम्पोर्ट हो गया। जहाँ पे आपने लिखना है बेसिकली यही वो चीज है जिसको हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है कुछ भी। ये वाला मैंने एक क्रिएट कर दिया ना प्रोवाइडर, प्रोवाइडर किसको बोलते हैं, जो हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना, हमने मल्टीपल पेजेस में यूज करना है, मल्टीपल कंपोनेंट में यूज करना है, तो ये यही चीज होगी। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं कलर जहाँ पे लिख दूँ रेड लिख देती हूँ, इस रेड कलर को मैं यूज करना चाहती हूँ हर एक पेज में, हर एक कॉम्पोनेंट में। इसके बीच आपका कुछ भी कोड हो सकता है, आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, उस फॉर्म को बार बार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको बार बार फॉर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपने क्रिएट कर लिया बस उसको यूज करते रहो, तो अपने आप फॉर्म क्रिएट होता जाएगा। और जहां पे हम लगाएंगे, इधर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, एक कॉन्स्ट बनाओ, नाम इसको दे देते हैं चेंज टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगी कलर नाम का एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे सेट करना है टेक्स्ट कलर किसको, जो हमारे पास कलर वेरिएबल है, तो यही वो कलर सेट करके देगा, कलर कौन सा है रेड, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी कि रेड कलर वहां पे सेट हो जाए, तो जहां जहां भी हम यूज करेंगे तो रेड कलर सेट हो जाएगा। तो ये वाला कोड यहाँ पे हो गया खत्म, ये वाली इधर ब्रैकेट खत्म है ना, इसके बीच हम एक रिटर्न लगाएंगे, रिटर्न के बीच में HTML का कोड आएगा। तो मैं चाहती हूँ बेसिकली इधर मैं क्या लगाऊंगी, मेरे पास टेक्स्ट कलर कॉन्टेक्स्ट हमने क्या क्रिएट किया है, जे वाला जे है हमने जो क्रिएट किया है कॉन्टेक्स्ट, उसी को हम यूज करेंगे डॉट लगा के प्रोवाइडर। उसके बाद आती है एक वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे हम कर्ली ब्रैकेट के, डबल कर्ली ब्रैकेट के बीच क्या लगाना है, एक मेरे पास जो टेक्स्ट कलर है कॉमा,
एक मेरे पास है जो चेंज टेक्स्ट कलर वाला, एक हमने क्रिएट किया था। ठीक है, दोनों फंक्शन हम जहाँ पे कॉल कर रहे हैं आप इधर जाके देख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, इधर आप जहाँ से इसको सीख सकते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे लगाया हुआ है। अगर आपको जे वाली मेरे वाली एग्जाम्पल समझ आ गई तो आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आ गई, अगर जे समझ आ गई एग्जाम्पल तो आपको मेरे वाली एग्जाम्पल भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बेसिकली इसको यूज कर रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, इन्होंने क्रिएट किया है ये वाला थीम वाला थीम कॉन्टेक्स्ट को। तो यहाँ पर देखो इन्होंने रिटर्न में लगाया हुआ है, तो इसी को हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लगाते हैं, पहले हमारे कॉन्टेक्स्ट का नाम आता है, उसके बाद प्रोवाइडर आता है, उसके बाद वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू इन्होंने डार्क लगाई है, और मैं जहाँ पे वैल्यू क्या लिखूंगी, मैं चाहती हूँ उसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए, तो मैंने जहाँ पर टेक्स्ट कलर ऐसे लिख दिया। आप जहाँ पर रेड की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट जहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं रेड। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसे भी, नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर लो, दोनों सिमिलर है, बस एग्जाम्पल अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, इसको हम एंटर कर देते हैं, लास्ट में ये बंद भी होना चाहिए, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे बंद होनी चाहिए। ठीक है, तभी एरर आ रही है। चलिए सही है, अब इसको हमने बंद करना है जहां पर हो गया ये वाला, इसका एंटीन टैग है, तो यहाँ पर ऐसे ही एंटीन टैग आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ पर जैसे इधर है ना एंटीन टैग है और ये स्टार्टिंग टैग है, बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। इधर आपने लिखना है, पास करना है ये वाला ऑब्जेक्ट, कॉपी कर लो, यहाँ पे कर दो पास। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्म लिखा हुआ है, तो इन्होंने फॉर्म क्रिएट किया है, तो हमने जहाँ पे फॉर्म नहीं लगाया तो हम अपना वेरिएबल जहाँ पे लगाएंगे। इन्होंने फॉर्म लिखा है, तो आप जहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं इन्होंने किधर क्रिएट किया है, चेक कर लेते हैं, इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है तो वो हमें देखना पड़ेगा किधर है फॉर्म। यहाँ पर अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट टैग लगा दिया। ठीक है, हमने जहाँ पर टैग नहीं लगाया, हमने अपना एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो जहाँ पर हमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपने फॉर्म क्रिएट करना है, हमने फॉर्म नहीं करना, हमने जस्ट कलर चेंज करना है, तो हम जहाँ पर कोई भी टैग नहीं लगाएंगे, अपना वेरिएबल पास करेंगे। तो इधर आपने अपनी वैल्यू लिख देनी है, कोई भी आप क्रिएट कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, बटन क्रिएट करना है आप बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे एक अपना बटन पास कर दो। ठीक है, एक बार बटन क्रिएट करो, बार बार उसको यूज करते रहो। इसके बाद हम चलते हैं, ये वाला कोड हमारा पूरा खत्म हो गया है, इसी को यहाँ पे बंद कर दो। अब हम यहाँ पे एक हुक क्रिएट करेंगे, तो जहां पर तो ये कोड खत्म हो गया ना, इधर आपने एक हुक क्रिएट करनी है, कॉन्स्ट नाम दो इसको, यूज टेक्स्ट कलर नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू ऐसे हुक क्रिएट करेंगे, कैसे रिटर्न कर दे किसको, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो आपने यूज कॉन्टेक्स्ट को ऐसे लिखना है, तो जहां पर इंपोर्ट होना चाहिए यूज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट होना चाहिए, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज स्टेट, ये सब कुछ इंपोर्ट होने चाहिए, ये बने बनाए हमारे पास कीवर्ड हैं रिएक्ट में। तो ये एक हम एक हुक क्रिएट कर रहे हैं, इसके बीच अब वैल्यू आएगी मेरे पास टेक्स्ट कलर कॉन्टेक्स्ट, ये हम इसको यूज करेंगे, टेक्स्ट कलर कॉन्टेक्स्ट ये है हमारा मेन जिसको हम यूज करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर देंगे हुक के बीच, उसके बाद हम करेंगे ये पता काम क्या करेगा, इसने टेक्स्ट कलर जो भी है ना उसको कंज्यूम करेगा, जो भी टेक्स्ट कलर आएगा उसको ये कंज्यूम कर लेगी ये हुक। एक हम बनाएंगे नया कंपोनेंट, कॉन्स्ट नाम दो इसको, टेक्स्ट नाम इसको हम कंपोनेंट दे देते हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट, मल्टीपल हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी एक कॉन्स्ट, किसको यूज करना है टेक्स्ट कलर, जो मेरे पास कंपोनेंट का नाम है, तो टेक्स्ट कलर नाम है उसका, उसी को हम यूज करने वाले हैं, इज इक्वल टू यूज टेक्स्ट कलर। तो इसी को हम, ये वाला मेरा जो मेन है, जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो इसी ने करना है, इसी को दो बार हम यूज कर चुके हैं, एक यहाँ पे कर लिया है, एक हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको भी ये कलर प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ पर ये यूज टेक्स्ट कलर है इसको हम यहाँ से कॉल करेंगे, ये बेसिकली हमारी हुक है, तो ये हुक सबके लिए काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट इसको कॉल करेंगे, इसके बीच मैं लगा दूंगी रिटर्न, रिटर्न के बीच आप लगा सकते हैं एक डिव लगा के, नाम इसको हम दे देते हैं, कुछ भी नहीं लिखना, दिस इज लगा देते हैं, दिस इज स्टाइल्ड बस विद रेड कलर, तो ये कुछ लिखा नजर आएगा वहां पे, और ये हमें एक प्रोवाइड करा के देगा टेक्स्ट कलर जो भी चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए
ये वाला हो गया, इसका एक पार्ट है, इसको हम दे देते हैं स्टाइल इज इक्वल टू। सबसे आसान तरीका हम यहाँ पे ही लगा देंगे, मैंने कलर चेंज करना है इसका, कौन सा कलर होना चाहिए, टेक्स्ट कलर, बस ऐसे लिख लो। अब टेक्स्ट कलर मुझे यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोलूंगी मुझे टेक्स्ट कलर चाहिए, जो इसका टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है, रेड कलर है, हम उसी को यूज करेंगे। एक हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसका कलर चेंज कर देगा। अभी इसको हमने इंपोर्ट भी करना है, हमारे पेरेंट जो कंपोनेंट है उसके बीच हम इसको रेंडर भी करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं वहां पे ही, और यहाँ पर हम लगा देते हैं ये वाला जो पेरेंट कंपोनेंट है ना, इसके बीच आपने आना है, रिटर्न लगा हुआ है ना, सबसे पहले इधर इंपोर्ट करो, या फिर आप ऐसे रेंडर करना बोलते हैं, टेक्स्ट कलर कॉन्टेक्स्ट जो हमने प्रोवाइडर बनाया है, प्रोवाइडर आएगा, जो मैंने प्रोवाइडर बनाया है उसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ऐसे पूरा कोड इसके बीच आएगा, ऐसे हम यहाँ पर रेंडर करते हैं इसको पेरेंट वाले कंपोनेंट के बीच, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है उसके बीच हम लगाएंगे इसको, और इसमें हम लिखेंगे एक टेक्स्ट कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो मैंने टेक्स्ट कंपोनेंट बनाया हुआ है, ऐसे एक मैं यहाँ पे यूज करूंगी कलर, पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पे कलर कौन सा आया, रेड कलर, ठीक है, इसको रिफ्रेश करो, मेरे पास अब रेड कलर आ गया, तो मैंने यहाँ पर कहीं भी इसको रेड नहीं बोला, वो अपने आप आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने दिस इज स्टाइल्ड विद रेड लिखा हुआ है ना, तो मैं दिखा देती हूँ ये किधर है, ये है इधर, इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टाइल की प्रॉपर्टी क्या है सीएसएस की, टेक्स्ट वाले कलर में जो कलर है इसका कलर कर दो, उधर जो भी हम कलर चेंज करते जाएंगे तो ये अपने आप कलर चेंज होता जाएगा, इधर मैंने टेक्स्ट कलर में कलर लिखा हुआ है रेड, ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक है कि हम इसका जस्ट कलर चेंज कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको हम ना बटन लगा देते हैं, उसके लिए हम एक नया कॉम्पोनेंट बनाने वाले हैं, जहां पे क्रिएट कर लो कॉस्ट, एक कलर कॉम्पोनेंट कलर सिलेक्टर बना देते हैं, सिलेक्टर लिख लो जहां, तो अब दूसरे कॉम्पोनेंट में हम इसको यूज करने वाले हैं कॉस्ट, जहां पे मैं लिखूंगी चेंज टेक्स्ट कलर, ये हमने जो चेंज टेक्स्ट कलर वाला इधर चेक कर लेते हैं, तो ये मैंने बनाया था, ठीक है, चेंज टेक्स्ट कलर मैंने करना है इसका, तो नाम इसको हम ये कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे आपने डिफाइन करना है यूज टेक्स्ट कलर से हम इसको यूज करेंगे, ये वाला जो हमने मेन बनाया था यूज करना है टेक्स्ट कलर, कॉन्स्ट बना लो एक हैंडल कलर चेंज, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे चेंज टेक्स्ट कलर, चेंज टेक्स्ट कलर, यहाँ पे कलर कर दो, चेंज टेक्स्ट कलर जो भी है मेरे पास उसका जो कलर है वो कलर वाली वैल्यू में जो भी है वैल्यू वही कलर ऐड कर दो, ठीक है, रिटर्न में लगा दूंगी। अब जो हम दूसरी फंक्शनैलिटी ऐड कर रही हैं, एक तो होगी ना फंक्शनैलिटी हमारी ऐड की, सिर्फ हमने एक कलर चेंज करना है, जस्ट कलर, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, अब मैं चाहती हूँ कि बटन क्लिक के ऊपर हम लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर रही हूँ, बटन क्रिएट करेंगे ऑन क्लिक, नाम इसको दे दो कोई भी, हैंडल कलर चेंज है, तो मैंने यहाँ पर जो इधर लगाया था ना इसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है ऑन क्लिक पे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इसका कलर चेंज करना है, तो इधर हम कलर पता कैसे लिखेंगे, इधर आपने लिखना है हैंडल कलर चेंज, हम चाहते हैं कि इसका ब्लैक कलर हो जाए, और जहां पे आप ब्लैक लिख लो इसको हटा के, ब्लैक सेम ऐसे ही दो बटन लगा देते हैं, एक मैंने जहां पर करना है ब्लू कलर, और जहां पे आप ब्लू लिख दो दो कलर हो गए, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको हम रेंडर कर देंगे हमारे पेरेंट कंपोनेंट में, कैसे रेंडर करेंगे, जैसे हमने पहले जे वाले किए हुए हैं, जो भी नया कंपोनेंट बनाते जाएंगे बस यहाँ पे ऐड करते जाना है, तो मैंने अभी जो कंपोनेंट बनाया हुआ है कलर सिलेक्टर वाला बनाया हुआ है, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश, एक बार चेक कर लो, यहाँ पे हमने कलर लिखना तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, अपने आप सिलेक्ट हो गया, ये वाला कलर हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर देखो इसका कलर हो गया ब्लू हो गया, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे क्लिक करने पे हो जाए कलर चेंज,
और क्लिक के लिए हम यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं, तो हमें इसको एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले, तो ऐसे ही बना सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तब जाके फंक्शन परफॉर्म हो, रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे ब्लू हो गया, यहाँ पे करेंगे ब्लैक हो गया, ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक, तो ऐसे ही कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया ब्लू ब्लैक। और जहाँ पर ये वाली जो इसकी डिजाइनिंग है ना, वो मैंने CSS की क्लास ऐड की है, तो तभी है। वैसे ही हमारे पास बटन नॉर्मल ही रहना है, इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ हटा के, यहाँ पे करेंगे ऐसे। वरना सबसे पहले हम यहाँ पे कलर चेंज करके देखते हैं, तो इसको हम इधर से कर देते हैं बंद। मैंने जहाँ पे रेड लगाया हुआ है, इधर मैं येलो लगा देती हूँ, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब देखो पहले जो कलर होगा ना वो ये आएगा जो वहां पे यूज किया है। अब यहाँ पर देखो कितनी बार मैंने इसको यूज किया है, येलो वाला कलर 3 कंपोनेंट में हम आई थिंक यूज कर चुके हैं। एक मैंने जहाँ पर किया है चेंज टेक्स्ट कलर, एक ये तो हुक क्रिएट की है इसमें नहीं करेंगे, एक यहाँ पे यूज किया है इसका कलर हो जाए चेंज, एक हमने बटन क्लिक बटन क्लिक करने पे किया है। तो जब हम बटन क्लिक करेंगे तो उनका कलर जे वाला हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट कलर क्या रहेगा, जो जहाँ पे है वहां पे क्या है मेरे पास येलो कलर। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करती जाऊँ तो वो अपने अब चेंज होता जाएगा कलर, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या कलर था, येलो, जो हमने पहले यूज कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन किया था। ये तो बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे इसको कंप्लीट वेबसाइट में कैसे यूज करेंगे, मेरे पास 2-3 पेज हैं तो उसमें हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए कोड देखते हैं। अब ये जो हमने पूरा कोड बनाया है ना, हम ऐसे नहीं बनाते, ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक मतलब स्टार्टिंग है इसको क्रिएट करने की। जब हम पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम इसके लिए एक नया पेज क्रिएट करते हैं, तो इधर ही बीच में सब कुछ क्रिएट नहीं कर देते, हम जो भी वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं ना, जिसको हम रीयूज करेंगे, तो उसको हम एक अलग पेज में कोड बना के इसको अलग पेज में रख देते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ सारा कोड, ये वाला मैंने एक बना रखा है पेज, तो मैं इसको ये कोड हटा देती हूँ। इसको नाम आप दे दो कुछ भी, नया एक पेज क्रिएट कर लेना, context.js नाम से मैंने इसको सेव किया है। इधर आप मैंने इसको ओपनली कर दिया है सोर्स वाले फोल्डर में, इसी के अंदर मैं वो वाला एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसको हम रीयूज करेंगे। तो सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिएक्ट, इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। अब यहाँ पे हमारा ज्यादा ऐसा इशू नहीं रहेगा कि हमने पेरेंट बनाना है चाइल्ड बनाना है, क्योंकि ये हम अलग से ही क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगी एक कॉन्स्ट, नाम इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट कलर कॉन्टेक्स्ट, जैसे हमने पहले क्रिएट किया था उसे एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर अब क्रिएट कर रही हूँ। तो नाम इसको एक यहाँ पे आपने लिख लेना, क्रिएट करना है मैंने कॉन्टेक्स्ट, तो सबसे पहले तो हम इसको क्रिएट ही करेंगे, तो ये इम्पोर्ट हो जाना चाहिए। अब भी ऐसे इम्पोर्ट हुआ था, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं इम्पोर्ट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे इम्पोर्ट हो जाए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इधर लगा रही हूँ तो ये वाला हटा देती हूँ, एक ही लाइन में सब कुछ इम्पोर्ट करूंगी। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्रिएट कर लेना है जैसे पहले क्रिएट किया है, जहां से आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी कि हम इसको अलग से ही कैसे क्रिएट करते हैं, वहां पे सब कुछ मिक्स हो गया ना, यहाँ से आप इसको अलग अलग कैसे करेंगे वो देखो। एक आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट लगा देना है, डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट लगा सकते हैं, ये एक नया तरीका है। जैसे हम पहले कैसे क्रिएट करते हैं, एक कॉन्स्ट बना के फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, नाम इसको दे लो कोई भी, तो मैं यहाँ पर नाम इसको टेक्स्ट कलर प्रोवाइडर लिखूंगी, तो मैं यहाँ पर एक प्रोवाइडर क्रिएट करने वाली हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे हमने लिख देना है चिल्ड्रन रख देते हैं, और नाम यही रख देते हैं, सही है। यहाँ पे आ जाओ, इसका एरो फंक्शन बना लो एक, ये हम एक प्रोवाइडर क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट, नाम दो इसको, मैं टेक्स्ट कलर ही चेंज करूंगी, टेक्स्ट कलर सेट कर लो, टेक्स्ट कलर एक यूज स्टेट लगा लो, यूज स्टेट, तो ये भी इम्पोर्ट हो जाना चाहिए, मेरे पास हो चुका है। इधर कलर लिख लो, तो रेड कलर नाम दे देते हैं कि रेड कलर ही मैंने यूज करना है। कॉन्स्ट बनाएंगे एक, चेंज टेक्स्ट कलर
और इज इक्वल टू हम लिख देंगे कलर। अगर आपको याद हो मैंने पिछले पहले वाली एग्जांपल में भी इसको क्रिएट किया था, हम जस्ट सेट कर देंगे जो मैंने टेक्स्ट कलर वाला वेरिएबल लगाया हुआ है उसके अंदर जे वाला जो मैंने कलर लगाया हुआ उसको सेट कर देंगे। रेड कलर अब ये सेट हो चुका है, जिधर यूज करेंगे वहां पर ये कलर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक रिटर्न लगा लो, रिटर्न के बीच में क्या करूंगी, सेम ऐसे ही जैसे हम इधर इधर चलते हैं जिधर मैंने बताया था आपको, सेम ऐसे ही रिटर्न के बीच हमें इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जे वाला। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जो मैंने क्रिएट किया है, नाम लिखो अपना, टेक्स्ट इसी को हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। टेक्स्ट कलर कौन, टेक्स्ट मैंने नाम दिया है तो जे वाला हमने लगाना है। प्रोवाइडर साथ में आएगा इसका, वैल्यू लगानी है। वैल्यू में यहाँ पर रेड वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगी, मैं बोलूंगी टेक्स्ट कलर की जो वैल्यू है जो भी है उसमें एक चेंज टेक्स्ट कलर वाला जो मैंने बनाया हुआ है दोनों की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाए। और इसका एक एंडिंग टैग है, इसके बीच हम इसको कर देते हैं कॉल चिल्ड्रन वाले वेरिएबल को, या इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट वाला पेज रेडी। इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट किसको करना है, यूज टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। रिटर्न कर दो, किसको यूज कॉन्टेक्स्ट किसको करना है रिटर्न, जो मेरे पास टेक्स्ट कलर कॉन्टेक्स्ट है तो इसको हम इंपोर्ट करना बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, एक हुक क्रिएट कर दी है मैंने जिस सेम जैसे ही पिछली बार हमने की थी पिछले एग्जाम्पल में, एक हुक ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी आसान सा तरीका है जो मैंने इसको आपको बताया है। ये एक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट हो चुका है, मैंने जस्ट इसको बोला है कि मैंने एक रेड कलर यूज करना है। मेरे पास अब मैं दो पेज क्रिएट करूंगी, एक होम पेज होगा एक अबाउट पेज होगा, इसी कलर को हम उन दोनों पेजेस में यूज करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले होम पेज पे, तो मैंने इसको ये क्रिएट कर रखा है फिर भी मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ इसको रेडी कर रखा है, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगी कि हमने इसको यहाँ पर ऐसे कैसे लगाना है, कि नेविगेशन बार कैसे ऐड करनी है, राउटर कैसे यूज करना है, वो मैंने सब पिछली वीडियो में बता दिया है। ये मैंने पूरी अपनी नेविगेशन बार रेडी कर ली है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर मैंने दो पेज यूज किए हैं, एक होम पेज है एक अबाउट पेज है। तो यहाँ से अबाउट पेज पे क्लिक करेंगे तो मुझे अबाउट वाला जो कंटेंट है वो नजर आना चाहिए। इन्हीं दोनों पे हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट की एपीआई। मैंने जस्ट करना क्या है, होम पेज लिखा हुआ है ना इसका कलर रेड करना है, अबाउट पे जाऊंगी इसका कलर यहाँ पर आ जाए रेड। तो यहाँ पर अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट पेज लिखा आना चाहिए, तो मैं जल्दी से देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अबाउट में अबाउट लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पर होम लिखा है तो अबाउट लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि दूसरे पेज पे हम गए हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ है कंप्लीट टॉपिक कि हम इसको राउटर के साथ कैसे यूज करते हैं। तो अब देखो बेसिकली जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, मेरे पास दो पेज है, एक होम पेज है एक अबाउट पेज है, मैं दोनों पेज में एक सिंगल वेरिएबल यूज करने वाली हूँ सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर बताया गया है। ये वाला जो हमने डायग्राम देखा था ना, यहाँ पर मेरे पास एक मेन पेज रहेगा, उसके बाद पता नहीं कितने पेज बनने हैं, तो उन सब पेज में हम कैसे यूज करेंगे एक सिंगल वेरिएबल को। तो वो वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में, इसी को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं ऐप वाले पेज पे, पहले तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारा जो मेन है पेरेंट वाला पेज इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे, जितनी बड़ी मर्जी आपकी वेबसाइट हो तो आपने जस्ट यहाँ पे जाके अपना कोड लगा देना है। इंपोर्ट करना है किसको, जो हमने वहां पे क्रिएट किया था टेक्स्ट कलर प्रोवाइडर। कहाँ से करना है इंपोर्ट, अपने पेज का नाम लिखो, तो मेरे पेज का नाम है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, तो यही है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, अब देखो इसका कलर नहीं सही हुआ, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन करो, आपने चले जाना है जहां पे आ जाते हैं ये वाला डिब है ना, रिटर्न वाला जो है इसके अंदर पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ पूरे का पूरा डिब जो है ना ऐसे इसके बीच लिखेंगे, तो मैं जहां पे लिखूंगी कंट्रोल एक्स कर देते हैं, टेक्स्ट कलर प्रोवाइडर इसका एंडिंग टैग होगा, तो एंडिंग टैग को हम यहां से उठा के पूरी कोडिंग के बाद लिखेंगे। अब इसके बीच वो जो पूरा कोड आ जाएगा, अब इसको इंपोर्ट करना बोलते हैं, तो अब इसका आप कलर चेंज हो गया, यहाँ पे देखो कलर चेक कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आपके पेज का नाम आएगा, ये टेक्स्ट कलर प्रोवाइडर जो हमने वहां पर क्रिएट किया था, तो
आप इसको मैच कर लेना, जे वाला जो है ठीक है, इसको आप मैच कर लेना, सेम होना चाहिए। चलिए ये हो गया हमारा मेन पेज का काम खत्म। अब हम चलते हैं होम पेज पे, हम इसको कैसे लगाएंगे। तो आपने उस पेज पे आ जाना है जिधर आप इसको ऐड करना चाहते हैं। तो होम पे पहले लगा देते हैं, जस्ट आपने यहाँ पे आना है, ये वाला कोड नहीं लगाएंगे, जस्ट आपने लिखना है इम्पोर्ट कर लो। किसको इम्पोर्ट करना है, यूज टेक्स्ट कलर, यूज टेक्स्ट कलर को इम्पोर्ट करना है फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। अब देखो इसका कलर नहीं चेंज हुआ ठीक है, मतलब ये अभी इसको इम्पोर्ट ही नहीं किया हमने सही से। तो अब हमने क्या करना है, इधर आना है आपने, इस वाले मेन फंक्शन के बीच या कंपोनेंट के बीच कॉन्स्ट बनाओ, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। किसको करना है डिफाइन, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट के बीच लिखना है टेक्स्ट कलर। अब ये टेक्स्ट कलर आपने अपनी तरफ से नहीं लिख देना, यही वो चीज है जो हम यहाँ पे रीयूज करेंगे। इसको मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे। तो मैंने जहाँ पे टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल है जिसको मल्टीपल पेजेस के बीच यूज कर रहे हैं, यही मेन कॉन्सेप्ट है हमारा ठीक है। एक पेज में इसको क्रिएट कर दिया, दूसरे पेज में बस इसको यूज करना है। तो इसको रीयूजेबिलिटी हमारी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बस इसको बार बार यूज करते रहो। जस्ट आपने उसका नाम लिखना है, इधर लिखो कहाँ से करना है इम्पोर्ट, फ्रॉम, इम्पोर्ट नहीं करेंगे हम, इज इक्वल टू लिखेंगे यूज, किसको करना है यूज टेक्स्ट कलर। अब देखो इसका कलर बिल्कुल सही हो गया, मतलब अब ये इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे, इधर आपने जो भी लिखना है H1 में कुछ भी लिखना है, तो मैंने H1 लिखा हुआ है, मैं जस्ट लिखूंगी स्टाइल इज इक्वल टू, इसको लिखो, इसका कलर चेंज कर दो, कौन सा कलर लिखना है जो टेक्स्ट कलर का होगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो, टेक्स्ट कलर का जो भी वहां पे कलर है वही कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, अपने आप हो जाएगा, बैक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो होम पेज का कलर रेड हो गया ठीक है। अब यहाँ पर जो मर्जी आप चेंज करते रहो, रेड वगैरह कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है, पूरे पेज में यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे ब्लू कर देती हूँ, तो यहाँ पे ब्लू आ गया। अब चाहते हैं सेम ऐसे ही अबाउट पेज पे जाना है, तो पूरा कोड आप ऐसे ही कॉपी कर लो, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर देते हैं, अबाउट पेज में जाओ, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लो, इसको भी आप यहाँ पे लगाओ कॉपी, यहाँ पे आप लगा दो इसको पेस्ट, यहाँ पे आप सेम ही लगा देते हैं ये वाला कोड। बस मल्टीपल पेजेस में ये वर्क करना चाहिए, यहाँ पे आ जाओ। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, कोशिश करेंगे अब और भी एग्जांपल इसकी क्रिएट करने की। तो यहाँ पे देखो ब्लू आ गया ठीक है। एक वेरिएबल को मल्टीपल पेजेस में हम यूज कर रहे हैं, बस इसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करना। इसको यूज करने का एक ही पर्पज होता है, एक ही मकसद है कि आपका टाइम सेव हो जाए, रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाए कोड की, बार बार कोड नहीं क्रिएट करना। अब जहाँ पे एक बात सुनो, हम जहाँ पर अगर फॉर्म की बात करें, ये तो सिंपल एक वेरिएबल है, हम जहाँ पे अगर फॉर्म क्रिएट करना चाहें, बहुत बड़ा फॉर्म है, हम उसको एक बार क्रिएट करके रख ले, उसके बाद हम उसको रीयूज करते रहेंगे, तो आपका टाइम और कितना ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा, कोडिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीयूजेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करते हैं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे समझ आई होगी, कोशिश करेंगे एक और एग्जाम्पल क्रिएट करने की। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।